चलो आते जाओ बच्चों, आते जाओ। ये चार भुजानाथ मंदिर का एरिया है, सब आ जाओ यार। वेरी गुड। और ये सब बच्चे अब भोजन के लिए जाते हो। इसके साथ साथ इससे जो गाड़ी होती है ना, उसके पहिए बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? पहिए बनाए जाते हैं, और पहियों के साथ साथ जलाऊ लकड़ी में तो उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ फॉरेस्ट रेंजर बच्चों को समझाते हुए, फॉरेस्ट गार्ड जो होते हैं उसको हिंदी में वन रक्षक बोलते हैं। फॉरेस्ट गार्ड के नीचे होते हैं सुरक्षा श्रमिक, वो सबसे मेन बोन बैकबोन जो है हमारी विभाग की। यहाँ जंगल अनुभूति कैंप लगाया गया है फॉरेस्ट विभाग द्वारा, जिसमें नवोदय के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। हाँ, चिरवाली बोलते हैं। यहाँ पर ये प्रोफेसर लोग हैं, ये यहाँ पर जंगल अनुभूति कैंप में आए हुए हैं। यस, ये अनुभूति कैंप में शामिल हुए हैं नवोदय के विद्यार्थीगण। हाँ, इन्होंने बोला है यूट्यूब पे भी डालना है इसको। ठीक है। हाँ भैया, और कौन कौन यूट्यूब पे आना चाहता है, सब आ जाओ। हाँ, ये नवोदय के स्टूडेंट्स हैं, इनमें गुजरात से आए हुए छात्र छात्राएं भी शामिल हैं, और ये सब वन विभाग द्वारा आयोजित अनुभूति कैंप में शामिल हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आज कुछ सीखने की, और ये आगे भी बच्चे जा रहे हैं। ये नवोदय के विद्यार्थी अनुभूति कैंप में शामिल होते हुए आप देख रहे हैं, लंबी लाइन बनी हुई है यहाँ पर। इधर आगे भी, यहाँ पर फॉरेस्ट के गार्ड वगैरह भी आए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कैमरामैन के साथ जंगल की पगडंडियों के बीच से बाघ, हिरण, तेंदुआ, ये सभी प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती है, और उन्हीं की अनुभूति करवाने के लिए यहाँ पर ये एक जंगल कैंप आयोजित किया गया आज। यहाँ पर अरावली की पहाड़ियों के बीच ओके।